आंध्र प्रदेश के सीएम ने पीएम मोदी को दिया बड़ा सुझाव। क्या पीएम मोदी मानेंगे चंद्रबाबू नायडू की बात? भारत में लागू हुआ ये अनोखा मॉडल तो स्विट्जरलैंड जैसा होगा देश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक तरफ जहां देश में जाति जनगणना का मुद्दा अभी शांति नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर एक नेता ने जाति जनगणना के बजाय कौशल जनगणना कराने का मुद्दा हवा में उछाल दिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी कामयाबी के बाद जिस शख्स के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसका नाम चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन 21 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी को 16, बीजेपी को 3, जनसेना पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में 22 लोकसभा सीटें जीतने वाली वाईएसआर कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी। लोकसभा चुनाव में मिले खंडित जनादेश ने दिल्ली को दूर तक देखने पर मजबूर कर दिया, और वजह है कि चंद्रबाबू नायडू किंगमेकर बनकर उठे। उन्हें जहां एनडीए में सम्मान तो मिला, लेकिन साथ ही उनके सुझावों पर भी गौर किया जाने लगा। हाल ही में ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में जाति जनगणना के बजाय कौशल जनगणना यानी स्किल सेंसस कराने का सुझाव दिया है। इस जनगणना से लोगों के कौशल और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक कौशल की जानकारी जुटाई जाएगी। माना जा रहा है कि अगर नायडू ये योजना असल में लाते हैं और पूरे देश में इस तरह की जनगणना कराई जाए, तो इससे देश के वर्कफोर्स को नई दिशा मिल सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा कि जाति जनगणना के बजाय कौशल जनगणना की ज्यादा जरूरत है। अगर नायडू की ये योजना रंग लाती है, तो इस तरह की जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक कौशल जनगणना से वर्कफोर्स की कैपेसिटी और खामियों को उजागर करने में मदद मिल सकेगी। माना जा रहा है कि नायडू की इस पहल से मानव संसाधन का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर जहां नायडू की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है, तो ज्यादातर लोग इसे पूरे भारत में लागू करने की बात कर रहे हैं। दरअसल आज जब हर ओर जाति जनगणना, धर्म आधारित जनगणना की बात हो रही है, तो ऐसे में नायडू की ये पहल बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक नायडू की ये पहल इतनी अच्छी है कि ये पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। वहीं कौशल के मामले में भारत में मिलीजुली स्थिति है। भारत में आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हालांकि भारतीय युवा बेरोजगारी और कम रोजगार के हाई रेट का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन उपलब्ध नौकरियों के लिए जरूरी कौशल की कमी है। पीरियड लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के मुताबिक ग्रेजुएट करने वाले युवाओं में बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है। इनमें 24% के साथ आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं बीमारू राज्यों में बेरोजगारी दर 16.6% के साथ बिहार, 11% के साथ उत्तर प्रदेश, 9.3% के साथ मध्य प्रदेश और 23.1% के साथ राजस्थान है। हालांकि भारत में बेरोजगारी का संकट सिर्फ बेरोजगारी का ही नहीं है, ये बेरोजगारों का भी संकट है और ये किसी से छिपा नहीं है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 2015 की नीति में कहा गया है कि हमारे देश में फिलहाल हाईली ट्रेन्ड वर्कफोर्स की कमी के साथ साथ ट्रेडिशनली एजुकेटेड युवा भी बेरोजगारी की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिनके पास बहुत कम या कोई नौकरी कौशल ही नहीं है। वहीं 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सही कौशल वाले पर्याप्त लोग नहीं हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली में सुधार से काफी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। दरअसल स्किल सेंसस से हम सटीक रूप से पता लगा सकते हैं कि देश भर की अलग अलग इंडस्ट्री में किस तरह के कौशल की कितनी कमी है। इसे हम ट्रेनिंग देकर पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेंड लोगों की जरूरत है, ऐसे में हम ज्यादा लोगों को एआई की ट्रेनिंग देकर उस इंडस्ट्री की जरूरत को पूरी कर सकते हैं। स्किल सेंसस से वैश्विक स्तर पर किन स्किल्स की डिमांड ज्यादा है, इसका पता लगाया जा सकता है। इससे कोई भी देश अपने वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देकर इन्हें ज्यादा कॉम्पिटेटिव बना सकता है। स्किल जनगणना से प्रभावी ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। ऐसे सिलेबस तैयार किए जा सकते हैं जो जरूरी स्किल्स को पूरी कर सकें। ऐसा तभी किया जा सकता है जब स्किल सेंसस से इस बारे में पता लग सके कि कितने लोग स्किल से लैस हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल आबादी वाला देश फिनलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, जो पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। इन देशों में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था काफी अच्छी है, युवाओं की साक्षरता बेहद अच्छी है और ऐसी पढ़ाई या ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें हर तरह की स्किल के लिए तैयार करती है। जिस पर शिक्षाविद कहते हैं कि भारत भी अगर स्किल सेंसस कराए और अपनी आबादी को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से तैयार करे, तो ये स्विट्जरलैंड या नॉर्वे जैसा
देश बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि देश के युवाओं को कौशल यानी स्किल सिखाने के लिए पहले से ही एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का मकसद ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।